हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम। तो अभी तो अपने चैनल पे बहुत सारा रिस्पांस अच्छे रिस्पांस आने लगे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो एक किसी ने पूछा है, एक या दो कमेंट, दो तीन कमेंट आए हैं कि ऑटोकैड में हम लोग स्पोर्ट्स कार कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग बनाते उसी पे वीडियो, एक स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन करते हैं। तो एक मैंने बहुत काफ़ी टाइम पहले बनाया था सॉलिड वर्क में स्पोर्ट्स कार, तो उसको मैंने ड्राफ्ट कर लिया है और उसको बनाते हैं हम लोग, है ना। तो एक सर्कल लेते हैं, सी इंटर, और कहीं पे भी यहाँ से मान लिया स्टार्ट कर रहे हैं बनाने का। सर्कल जो है 705 डायमीटर का है ना। तो रेडियस ले लेते हैं 705/2, ये एक सर्कल हो गया। उसके बाद लाइन ले लेते हैं, एल इंटर, है ना। लाइन लिया हमने, ये इसके इससे एफेट ऑन ऑन कर लेते हैं। और ये जो लाइन है डिस्टेंस है दोनों व्हील के बीच का, वो है 2600 डिस्टेंस का। तो हमने 2600 डिस्टेंस ले लिया, उसके बाद इंटर कर लिया। फिर अभी जो रियर व्हील है अपना, वो रियर व्हील बड़ा है थोड़ा सा फ्रंट व्हील से। तो जो रियर व्हील है वो है 765 डायमीटर का। तो हम लोग 765 एक लाइन ले रहे हैं 765 का, और वहाँ से उसके मिडल से हम लोग फिर सर्कल बना सकते हैं इसके मिड पॉइंट से, है ना। ये बहुत इजी तरीका है, ये हमने बना लिया। अब इनका कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। फिर ये वाला पोर्शन भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये हमने रेफरेंस लाइन लिया था। नेक्स्ट क्या है, अभी जो ये अपना बना, इसमें जो बनाते बनाते वो जो नीचे का पोर्शन है वो है सेंटर से 215 का डिस्टेंस पे। तो लाइन लिया हमने, एल इंटर, ये सेंटर है इससे 215 के डिस्टेंस पे, 215 के डिस्टेंस पे लिया। और ये जाके डायरेक्ट इस पर अटैच कर सकते हैं आप यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये भी दे सकते हैं ना, थोड़ा सा डिज़ाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको ट्रिम कर लेते हैं हम लोग। और ये क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं 1800 का, और वहाँ से थोड़ा सा डिज़ाइन दे देंगे क्योंकि स्पोर्ट्स कार में हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही है। तो हम लोग ले रहे हैं 1800 का एक लाइन यहाँ पे ले लिया हमने, है ना। अब यहाँ पे जो है वो हम लोग ले रहे हैं 150 का 345 डिग्री पे लाइन। तो करेंगे एट द रेट 150 और एंगल का साइन 345, 345 ये हमने एक ले लिया। ये सेम ये वाला ये बनाना था, ये जो आप देख रहे हो ये बनाना था, इसलिए हमने इतना प्रोसेस किया। थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिज़ाइन टाइप का हो गया, इसमें होता है बहुत सारे जगह। उसके बाद क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट है फिर लाइन बनाएंगे, एल इंटर लिया हमने। फिर इसके पॉइंट से यहाँ से जो लाइन रहेगा 505 का लेंगे, 505 का हमने लिया है, इंटर किया। उसके बाद यहाँ से जो एक लाइन आएगा है ना, वो किसी एंगल पे जाएगा तभी अपना जो है ना वो दिखेगा, फ्रंट सामने का जो है वो थोड़ा सा अच्छा देखने की बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे जो किसी एंगल पे होगा, है ना। तो कितने एंगल पे लेंगे हम लोग, 3 डिग्री एंगल पे। ये पहले हमने 505 का ले लिया, उसके बाद 3 डिग्री एंगल पे लेंगे और लाइन का लेंथ लेंगे 425। तो एट द रेट 425 एंगल का साइन और 3 डिग्री एंगल पे, 3 डिग्री एंगल डाला हमने, इंटर कर दिया। या आप देख सकते हो तो ये आ गया, ये अपना जो है 3 डिग्री एंगल, यानी कि 180-3 करना था, इसलिए ये इधर आ गया, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मिरर भी कर सकते हैं। हम लोग मिरर कर लिया डायरेक्ट, एल इंटर लिया और लाइन एक यहाँ पे बना के इसको मिरर कर लेते हैं, है ना। ये सेलेक्ट करके एम आई, ये जो बनाना था इस डायरेक्शन में बनाना था, लेकिन हमने बना दिया था दूसरी डायरेक्शन में, 3 डिग्री है, 180-3 करना था, तो हमने 3 डिग्री पे ही बना दिया, इसलिए ये इधर आ गया। इसको इसका अभी कोई काम नहीं है, तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, ये हमने डिलीट कर लिया। नेक्स्ट क्या है, एक और जो बनाएंगे फ्रंट का, वो अच्छा बनाने के लिए एक और बनाएंगे 3 डिग्री
नीचे 3D के ऊपर बनाए 180 प्लस 3, 180 माइनस 3, 180 प्लस 3, एक और लाइन बनाएंगे, है ना। तो इसको भी हम लोग मीटर कर लेते हैं, MI लिया, इंटर किया और यहाँ से मीटर कर लिया, है ना, इंटर। अभी ये हमने रेफरेंस के लिए बनाया था, इसको हम लोग हटा लेते हैं, डिलीट कर लिया इसको। और ये भी हमने रेफरेंस के लिए बनाया था, इसको भी हम लोग डिलीट कर ले रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पे एक 2 पॉइंट सर्कल ले लेते हैं, है ना। सर्कल लिया यहाँ, यहाँ से आप लोग 2.2P टाइप कर सकते हो, 2 पॉइंट सर्कल लिया और यहाँ से, और ये पोर्शन ट्रिम कर लिया हमने TR इंटर से, बाद में भी ट्रिम कर सकते हैं, ये हमने ट्रिम कर लिया। नेक्स्ट क्या है, एक लाइन यहाँ से बनाएंगे, है ना, जो कि होगा 442 का, है ना, एक लाइन बनाएंगे 42 का यहाँ से। तो लाइन हमने लिया इसके, इससे, और इसका एंगल क्या डालेंगे, इसका एंगल डालेंगे थोड़ा सा, इसमें एंगल भी डालेंगे, है ना। तो एंगल डालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा एंगल डालना है इसमें, तो हम लोग डाल सकते हैं 86 का कुछ, है ना। ये 86 का यहाँ पे एंगल डाल लेते हैं। F8 पहले ऑफ कर लिया मैंने, है ना, एटी सिक्स का एंगल डाल के 42 का डिस्टेंस, एट द रेट लिया 42 डाला और एंगल डाला 86 का, 86 एंगल डाल दिया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमने ये बना दिया, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट बनाने के लिए F8 ऑन कर लिया हमने। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रंट का जो सामने का होगा वो डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग 25 का एक लाइन ले रहे हैं, 25 लिया, इंटर किया, ये स्ट्रेट लिया, इसमें थोड़ा सा एंगल लिया था वहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या है कि जो हमने जहाँ तक एक थोड़ा सा इंक्लाइन लाइन बनाया था, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, कितने का, 206 का, 206 का हमने बना लिया। अभी यहाँ पे भी हम लोग जो है ना, इसको भी सेम 86 वाला ही वो जो हमने बनाया था, सेम उतने का ही हम लोग ये वाला, ये जो 86 का हमने बनाया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी कर लिया यहाँ से, और यहाँ यहाँ ये कॉपी, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं हम लोग, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, ये बेस पॉइंट अपना ये रहेगा सेम, और ये इसको यहाँ तक लाना है तो ये यहाँ ले लिया। उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो EX कर दिया एक्सटेंड। उसके बाद यहाँ तक बाउंड्री तक लाना है, इस बाउंड्री तक, इंटर किया, उसके बाद इसको लाना है तो ये हमने एक्सटेंड करके कर लिया, है ना, ये बना लिया। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे इसका। तो हम लोग यहाँ से फिर ले रहे हैं एक ये, और 45 डिग्री एंगल पे थोड़ा सा कर्व टाइप का करेंगे, है ना, मतलब इंक्लाइन लाइन बनाएंगे, एट द रेट 15 45, इंटर। ये हमने थोड़ा सा कर्व बना दिया। उसके बाद यहाँ से स्ट्रेच हम लोग ले जाएंगे, कितना, 114, तो 114 114 हम लोग स्ट्रेट ले लिया हमने, है ना। या अब यहाँ पे, यहाँ पे एक कर्व बनाना है, जो कि अगर जो हम लोग पॉली लाइन लेते तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से कर सकते थे, तो अभी पॉली लाइन हमने नहीं लिया, तो इसलिए वो कर्व के लिए जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि ये रेडियस है 14, तो 28 हम लोग छोड़ते हैं, है ना, 28 हमने जगह छोड़ दिया। उसके बाद ये स्ट्रेट एक आ गया 207 का, 207 का एक स्ट्रेट, है ना, 207 का स्ट्रेट ले लिया हमने। उसके बाद क्या है, ये जो हमने बनाया ये, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा 2 पॉइंट सर्कल भी बना सकते हैं, है ना, ये हमने 2 पॉइंट सर्कल से ही बना लिया, और ये इसको हम लोग डिलीट कर ले रहे हैं, है ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ से डायरेक्ट, है ना, यहाँ से यहाँ हमने डायरेक्ट मिला दिया,
अभी है ये जो हमने 207 का बनाया, फिर ऊपर बनाएंगे सेम लेंथ का और किसी थोड़े से 10 का इस पे, ये वाले हम लोग ट्रिम कर ले रहे हैं TR डबल इंटर से, है ना। इसको ऑफसेट ले लेते हैं हम लोग 10 के डिस्टेंस पे। ऑफसेट लिया, डिस्टेंस डाला 10, 10 या 15, 15 डाल ले रहे हैं, 15 डाला है ऊपर, है ना। ये हमने बना लिया। उसके बाद यहाँ पे भी जो बनेगा ना, यहाँ पे भी एक सेम वैसा ही कर्व आएगा, वो भी तो इसको भी एक और 10 का ले लेते हैं हम लोग। ऑफसेट लिया, डिस्टेंस 15 ही डाला है, ये हमने एक और बना लिया कर्व। और यहाँ पे हम लोग एक फिर से 2 पॉइंट सर्कल बनाएंगे, है ना। 2 पॉइंट सर्कल हमने लिया और इसके बीच का बना लिया, है ना। उसके बाद TR डबल इंटर से ट्रिम कर लिया इस पोर्शन को, ये कर लिया। नेक्स्ट क्या है, ये जो इसको लाइन जो है ना, ये यहाँ से एक लाइन से सिलेक्ट, थोड़ा सा टेढ़ा भी हम लोग कर सकते थे, हल्का सा तिरछा भी कर सकते थे, है ना। तो ये ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बनेगा, तो ये जो हमने बनाया है इसको पूरा कनेक्ट करना होगा, ये वाला ये पोर्शन, ये यहाँ से सेम इसके ही, ठीक है। ये तो थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा पर ये ऐसा भी चलेगा, दिख रहा है ठीक ठाक, है ना। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 डिग्री एंगल पे जाके इसके इससे मिलाएंगे। तो यहाँ से हमने लाइन ले लिया इस वाले पोर्शन से, यहाँ से लाइन लिया हमने, कितने का, कितना भी बड़ा ले ले रहे हैं हम लोग, है ना। बाद में फिर हम लोग उसको ट्रिम कर लेते हैं। एट द रेट लिया 650 और एंगल 5 डिग्री एंगल पे, है ना, ये जाके वहाँ पे चला गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग ऑफसेट कर सकते हैं, ऑफसेट या कॉपी भी कर सकते हैं, है ना। कॉपी भी कर सकते थे, ऑफसेट हमने कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा ये है ना, एक बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया, तो इसको हम लोग ट्रिम कर लेते हैं। ये बड़े वाले पोर्शन को ट्रिम कर लेते हैं और छोटे वाले पोर्शन को एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना। ये हमने कर लिया, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। तो आगे का प्रोसेस में क्या है, एक यहाँ से एक कर्व बनेगा जो कि कितने डिस्टेंस का होगा, ऊपर जाएगा 420 और साइड आएगा कितने डायमेंशन का, 1190 डायमेंशन का। तो हम लोग ले ले रहे हैं एक, यहाँ से 420 का ऊपर, यहाँ से हमने एक लाइन बनाना शुरू किया 420 ऊपर, और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है 1190, है ना। तो 1190 का ये हमने एक इधर बना लिया, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से जो हम लोग ये जो बनेगा, ये एक बनेगा आर्क शेप का। तो हम लोग आर्क ले ले रहे हैं यहाँ से और F8 ऑफ कर ले रहे हैं। तो F8 ऑफ करने से क्या होगा, दिखेगा कि अपना ये आर्क जो आ रहा कैसा आ रहा, है ना। ये ऐसा बनाएंगे कि इस पे टेंजेंट हो, है ना, जो लाइन हमने बनाया उसके लाइन से ऊपर वाली लाइन से टेंजेंट हो, इस तरह का बनाएंगे। तो हमने ये बना लिया, ये हमने बना लिया। अब इसको ट्रिम कर लेते हैं एक्स्ट्रा पोर्शन को। हमने क्या किया, ये जो बनाया ये लाइन, ये वाला लाइन, इस लाइन से टेंजेंट बना होना चाहिए, इस तरह का बनाया हमने ये लाइन, नहीं ये जो आर्क है, ये आर्क आर्क इस लाइन से टेंजेंट होना चाहिए, इस तरह का हमने शेप बनाया इसका। तो हमने ये इसको रेफरेंस बनाया था, ये रेफरेंस डिलीट कर ले रहे हैं, ये भी रेफरेंस डिलीट कर ले रहे हैं, है ना, इसको भी डिलीट कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या है, ये हमने बना लिया। उसके बाद एक और सेम वैसा ही ये बनेगा, पोर्शन बनेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर जो हम लोग ये लेंगे, ऑफसेट लेंगे, तो ये वैसा शेप नहीं आएगा जैसा कि हम लोग को चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट आर्क का यूज़ कर लेते हैं यहाँ से भी, ये
ये लिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सेम इसके डिस्टेंस तक हम लोग एक थ्री पॉइंट आर्क का बना लिया हमने, है ना, जो कि इसके जैसा ही आना चाहिए, इस तरह का हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ से हम लोग स्प्लाइन यूज़ कर लेते हैं, SPL स्प्लाइन यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा जो है पिक बनाने के लिए, ये आप देख सकते हो, ये इस तरह का पिक बनाने के लिए हम लोग, है ना, इस तरह का पिक बनाने के लिए हमने एक ये बना लिया। इसको थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं हम लोग, है ना, ये हमने कर लिया, बना लिया एक पिक बना लिया। ये पिक होता है, आप कभी भी देखोगे, ये जो है ना वो जो स्क्रीन होता है अपना, विंड स्क्रीन जिसको हम लोग बोलते हैं, आगे से जो शीशा होता है आगे का, उसके लिए यहाँ पे वो वाटर का थोड़ा सा ये होता है यहाँ से विंड स्क्रीन को साफ़ करने के लिए। अब क्या करेंगे, इसके लास्ट एंड से एक लाइन बनाएंगे जो कि 21 डिग्री पे होगा और 919 का होगा। तो हमने यहाँ से एक लाइन ले लिया इसके एंड से, तो एट द रेट 919 और एंगल डाला हमने 21 डाला, हो गया ये। अभी ये जो हम लोग ये बना रहे हैं स्क्रीन के लिए, यानी कि विंड स्क्रीन जो होता है जिसको हम लोग शीशा बोलते हैं, कांच बोलते हैं आगे का, तो वो ये अभी हमने ये डाला तो ये हो गया स्ट्रेट, पर वो स्ट्रेट नहीं होता, वो थोड़ा सा कर्व होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक थ्री पॉइंट आर्क लेंगे और थोड़ा सा कर्व अपने हिसाब से बना लेंगे जो कि अच्छा लगे, है ना। ये हमने एक कर्व बना लिया, उसके बाद ट्रिम कर लेते हैं TR डबल इंटर से, हमने ट्रिम कर लिया यहाँ से, है ना, और इस वाले रेफरेंस को हमने लिया था, रेफरेंस को हटा भी सकते हैं, अभी नहीं भी हटा सकते, बाद में भी हटा सकते हैं हम लोग, हमने ये हटा लिया, है ना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है यहाँ वो छत बनेगा, है ना। छत बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3469 का रेडियस का एक छत बनाएंगे हम लोग, 3.8 भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, है ना। ये हमने 3.8 लिया और किसके इसके डिस्टेंस पे आएगा, डिस्टेंस यहाँ से हमने मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा अस्यूम कर लेते हैं, है ना, अस्यूम कर लेते हैं इसके डिस्टेंस तक, है ना, ये हमने अस्यूम कर लिया थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि हमने डिस्टेंस वहाँ पे जो ड्राफ्ट किया उसमें डिस्टेंस हमने मेंशन नहीं किया, तो भूल कुछ कुछ कभी कभी हो जाता है, कोई कोई सा डायमेंशन भूल जाता है लोग, तो यहाँ से हमने एक रेफरेंस लाइन ले लिया, है ना, और इस पोर्शन को ट्रिम कर ले रहे हैं, ये हमने ट्रिम कर लिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम लोग, है ना, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे सेम जैसा कि हमने बनाया था, तो 163 पे यानी 180 माइनस जो करेंगे ये बनेगा 163 एंगल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे, है ना, एंगल जो आएगा 163, तो उसको कैलकुलेट करना होगा, तो 135 बना लेते हैं हम लोग ना, तो क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का वन सेम होगा, यानी कि टू, ठीक है, हम लोग एक लेते हैं, बनाते हैं, देखते हैं क्या है ना। F8 ऑफ कर लिया हमने, इससे पता चलेगा अपना कि जो है तो 349, है ना, यहाँ का एंगल हम लोगों को दिया हुआ है जो है 163, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से दिया हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं
कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ यहाँ भी थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं, वो कितना करेंगे, 12 डिग्री सही है, 12 डिग्री पे ही बनाएंगे। और कितना बनाएंगे, 1033 का, 1033 का लाइन बना लिया हमने ये 12 डिग्री पे, ये हो गया। नेक्स्ट क्या, ये स्ट्रेट जाएगा, ये एक इस तरह का जो हम लोग देखते हैं वो है 67 डिग्री पे, 286 पे, है ना, एट द रेट 286 का बनाएंगे, और 67 डिग्री का, 67 डिग्री का हमने ये बना लिया। और यहाँ से एक स्ट्रेट ले लेंगे, F8 ऑन किया हमने, और स्ट्रेट कितना लेंगे, स्ट्रेट है 233 का, 233 का स्ट्रेट हमने ले लिया। यहाँ से एक लाइन बनाएंगे जो 45 डिग्री एंगल पे होगा और 28 डायमेंशन का होगा, एट द रेट 28 डायमेंशन का और 45 डिग्री एंगल पे, ये ले लिया। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लेंगे जो कि 34 शायद कितना है, 31 डायमेंशन का है ना, तो हम लोग 31 डायमेंशन यहाँ डाल दिया है जो कि 0 डिग्री एंगल पे होगा। और रेडियस है 17, तो हम लोग 34 का डिस्टेंस छोड़ दे रहे हैं। और यहाँ से हम लोग फिर से ये 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए यहाँ भी, तो F8 हमने ऑफ कर लिया, और यहाँ पे 47 डिग्री, ये 15, ये एंगल, है ना, यहाँ से हम लोग किसी एंगल पे जो कि 10 डिग्री एंगल होना चाहिए मैक्सिमम, पर हमने बना लिया, तो ऐसा ही बना ले रहे हैं थोड़ा सा। और यहाँ सेम 25 का ही डिस्टेंस ले करके, और फिर ये जो, अब ये जो आएगा है ना, ये थोड़ा सा हल्का सा इंक्लाइन रहेगा, वो इंक्लाइनेशन दिया हुआ 60, है ना, वो इंक्लाइनेशन दिया हुआ है यहाँ पे 85 डिग्री का, तो 90 ये जो नीचे आएगा वो 85 आना चाहिए, ये आप देख सकते हो 95 94, ये 85 डिग्री आना चाहिए किसी रेफरेंस से अगर जो हम लोग बनाते हैं, तो 85 आना चाहिए, तो नीचे आ रहा, तो 85 का ठीक है, हमने 98 पे ले ले लिया कुछ, 98 पे कितने डायमेंशन का ले रहे हैं, 866 डायमेंशन का 98 डिग्री पे ले ले रहे हैं, 866 इंटर, है ना। अभी क्या है, ये जो हमने बनाया यहाँ पे एक, इसको क्या बनाना था, एक सर्कुलर शेप का बनाना है यहाँ पे, तो हमने 2 पॉइंट सर्कल ले लिया, 2 पॉइंट सर्कल ले लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ये बना लिया। और इस वाले पोर्शन को हटा लेते हैं क्योंकि उसका एक रेफरेंस लिया था हमने, और इस शेप इसको भी हम लोग हटा लेते हैं। अभी आप देख सकते हो, अब ये लग रहा कि हाँ वो उस जो स्पोर्ट्स कार में होते हैं वो वाला है ना, ये तो ये हमने पीछे का डिज़ाइन कर लिया। नेक्स्ट है ये जो लाइन है, इसी लाइन के इस ये जो लाइन है, यहाँ से इस लाइन के स्ट्रेट में इस लाइन को, मतलब जो कि कट करे उस लाइन को, यहाँ से हम लोग लाइन ही बना लेते हैं एक, ज़्यादा बेटर होगा। फिर यहाँ से ट्रिम कर लिया हमने इस वाले पोर्शन को, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पहले ले करके, थोड़ा स्ट्रेट लाइन का जो साइज है वो है 10 mm, तो F8 हम लोग ऑन कर लिया, 10 mm का एक लाइन ले लिया। उसके बाद यहाँ से जो है ना वो इसमें जाके मिलेगा, है ना, तो ये हमने F8 ऑफ कर लिया, और ये जो ये इसमें यहाँ यहाँ तक आएगा, यहाँ पे जो ये जो बन रहा है जो हमने बनाया है वो उससे थोड़ा सा नीचे आएगा, ये यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हल्का सा हम लोग थोड़ा
थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे हमने बना लिया है ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा आर्क बनेगा। तो हमने एक आर्क ले लिया, थ्री पॉइंट आर्क, और इसको दोनों को सेलेक्ट करके एक अपने इससे ही जो कि फिलेट टाइप का लगे उस तरह का हमने बना लिया, उसको ट्रिम कर लिया। और फिर यहाँ से एक लाइन ले करके, लाइन ले करके ये लाइन का जो एंगल है वो 18 डिग्री एंगल पे है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक ये एक मान लिया यहाँ से है ना, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ये हमने स्ट्रेट लाइन ले लिया यहाँ। अब क्या करेंगे कि यहाँ से एक 18 डिग्री एंगल पे लाइन लेंगे, इसको डिलीट कर ले रहे हैं। इस वाले कॉर्नर से हम लोग एक लाइन बना लिया, पूरा नहीं बनाएंगे यहाँ, थोड़ा सा दूर तक ही जो अपना व्हील है व्हील से थोड़ा सा हट के बनाएंगे। और वहाँ से एक लाइन ले करके, एक लाइन ले करके इसके ऊपर हम लोग एक टेंजेंट बना लेंगे, टेंजेंट लाइन इस वाले सर्कल पे है ना। तो आप ये देखो यहाँ पे आप टेंजेंट का ऑप्शन आ रहा है, ये हम लोग हमने टेंजेंट बना लिया है ना। और क्या करेंगे, यहाँ से ये फिलेट फिलेट कर लेंगे इस वाले पोर्शन को। तो फिलेट हमने लिया रेडियस के लिए आर इंटर, ये 30 रेडियस का हमने फिलेट यहाँ पे बना लिया, ये फिलेट बन गया। नेक्स्ट क्या है, एक लाइन से इस वाले को कनेक्ट कर देंगे, इस F8 ऑफ करके डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जो हम लोग लास्ट इस पोजीशन से जो डायरेक्शन आ रहा है सेम डायरेक्शन से इस पर हम लोग प्रोजेक्ट कर देंगे उसको। और जो हमने टेंजेंट जहाँ से मिलाया है ना, वो टेंजेंट से एक स्ट्रेट लाइन लेकर के, ये हमने टेंजेंट मिलाया था एक स्ट्रेट लाइन F8 ऑन करके, कितना भी बड़ा ले लेते हैं बाद में हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। और इसको सेम फिर से सेलेक्ट करके ऑफसेट ले लेंगे, ऑफसेट लिया 15 के डिस्टेंस पे ऑफसेट हमने ले लिया है ना। और अगर जो ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं है तो हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, EX डाला इंटर किया, इस बाउंड्री तक ले जाना है तो बाउंड्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सटेंड यूज़ करने का बहुत सारा तरीका है, हमने बताया है शायद वो इसके टूल्स में, ये हमने बना लिया। अभी जो यहाँ है लास्ट में जो पीछे का जो हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी कुछ डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये 36 रेडियस का है ना, यहाँ से हम लोग बनाएंगे 72 डिस्टेंस का एक लाइन बनाएंगे है ना। और ये लाइन जो है ना, इस वाले लाइन को इसको हमने सेलेक्ट किया कॉपी इंटर, और यहाँ से उठा करके इस पर कॉपी कर लिया हमने है ना। ये क्यों किया, ये अभी हम लोग देखते हैं। अभी फिर लेंगे यहाँ से एक 2 पॉइंट सर्कल लिया हमने यहाँ से यहाँ तक का, और TR डबल इंटर से ट्रिम कर लिया इस वाले पोर्शन को। और ये जो हमने रेफरेंस लिया था ये हटा लेते हैं हम लोग, ये बन गया। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं पीछे का जो बैक वाला व्यू होगा वो हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन डाल लेते हैं कुछ भी, यहाँ से एक लाइन ले करके F8 ऑन ऑफ करके यहाँ पे एक किसी 90 के डिस्टेंस पे, और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से, ये स्ट्रेट लाइन हमने ले लिया यहाँ से 3R डबल इंटर से ट्रिम, ये एक्स्ट्रा पार्ट थे अपने तो इसको हमने ट्रिम कर लिया। और यहाँ पे फिलेट यूज़ कर सकते हैं 10 रेडियस का, R इंटर 10 इंटर। तो इसमें क्या, हम लोग जहाँ पे जो अच्छा लग रहा हो आप लोग अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, जो डायमेंशन डालना हो, जहाँ पे कुछ और नया
डिज़ाइन डालना हो तो हम लोग अब खुद से भी डाल सकते हैं। ये बन गया। उसके बाद क्या है, एक लाइन लेंगे यहाँ से, इसके ऊपर से, ये जो है इस वाली लाइन से, जो उधर से एक लाइन आ रहा है, उस लाइन से हम लोग लेंगे एक 41 का डिस्टेंस पे, सेम इसी डायरेक्शन पे, ये इस डायरेक्शन पे जाएंगे और 41 का डिस्टेंस पे एक लाइन लेंगे और यहाँ से फिर कर देंगे 45, 115 के 115 डिग्री पे, कितना डिस्टेंस का, 20 डिस्टेंस का, एट द रेट 20 डिस्टेंस 115 डिग्री, है ना। ये बन गया। नेक्स्ट क्या है, अभी यहाँ से ये स्ट्रेट सेम इसके जैसा, जैसा कि ये है इसकी एसी के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे ऊपर तक, इसके पैरेलल मान लिया हमने, बना लिया यहाँ तक, है ना। इस लाइन का लेंथ दिया हुआ है 272, तो 270 हम लोग ले ले रहे हैं, 270 हमने डाला, इंटर कर दिया, है ना। ये बन गया। नेक्स्ट है, यहाँ से भी सेम वैसा ही करेंगे, यहाँ से भी एक 35 के डिस्टेंस पे, एट द रेट 35, कितना भी बड़ा लेंथ ले रहे हैं लेकिन वो एंगल होगा 35, है ना, तो लेंथ तो बड़ा होगा तो हम लोग ट्रिम कर सकते हैं TR डबल इंटर से, छोटा रहेगा तो एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, पर एंगल मेन डालना वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। ये हमने बनाया। उसके बाद यहाँ से फिर, यहाँ से हम लोग TR डबल इंटर का यूज़ करके हम लोग ये वाला, ये डायरेक्ट डिलीट ही कर ले रहे हैं हम लोग, डिलीट पूरा हो जा रहा है इसलिए हम लोग ट्रिम कर लेते, TR डबल इंटर से ट्रिम कर लिया ये पोर्शन और ये पोर्शन, है ना। अब यहाँ से लाइन के लाइन लेंगे, एक स्ट्रेट लेंगे, सेम इसके एंगल पे जो हम ये वाला है उसके एंगल पे लेंगे, है ना, तो ये है ना, इस पे 100 का एक लाइन लिया हमने, है ना। उसके बाद ये ज़्यादा बड़ा हो गया शायद, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ से फिर से इस पे, इस डायरेक्शन पे 100 ही है, ठीक है, ये 100 ही है। ये जो लेना था ये हमने बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे जो कि यहाँ इस पे प्रोजेक्ट कर देंगे, इस पे ये इस पे एक लाइन प्रोजेक्ट कर दिए, यहाँ से हम लोग ट्रिम करके इस वाले पोर्शन पे थोड़ा सा फिलेट दे देंगे। फिलेट लिया हमने, रेडियस आर इंटर 20 का, रेडियस का हमने ले लिया एक यहाँ पे फिलेट, है ना, ये हमने फिलेट ले लिया। अब यहाँ आप देख सकते हो ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है पहले से, यहाँ पे एक और बनाना होगा ये, तो हम लोग लाइन से ही बना सकते हैं, डायरेक्ट लाइन लिया इसके सेंटर से, है ना, सेंटर से एक लाइन लिया 20 डिस्टेंस पे, है ना, और इसको इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी किया, है ना, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक कॉपी कर लिया और एस्केप कर लिया, और यहाँ से हम लोग फिर लाइन बना करके इसको, हमने लाइन बना लिया, इसको मिरर कर लेंगे यहाँ से, इसको MI इंटर और इस एक्सिस के अबाउट मिरर कर लेंगे, है ना, मिरर कर लिया इस एक्सिस के अबाउट, और इसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड लिया और इस यहाँ तक प्रोजेक्ट करना है तो इसको सेलेक्ट किया, इंटर किया और इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ट्रिम कर लेते हैं सारे एक्स्ट्रा पार्ट, ये हमने ट्रिम कर लिया, ये भी ट्रिम कर लेते हैं और ये ऊपर का भी ट्रिम कर लेते हैं, और यहाँ से फिलेट डाल लेते हैं 10 रेडियस का, आर इंटर 10 रेडियस इंटर, यहाँ
इसको और फिर इसको भी यहाँ से भी है ना, इसको यहाँ से। ये यह हमने सिर्फ पीछे का रियर का डिज़ाइन बनाने के लिए ऐसा किया है ना, ये बना लिया। उसके बाद एक और यहाँ पे एक और स्लॉट बना सकते हैं, तो इसको सेम इसको ही ऑफसेट कर लिया हमने है ना, डिस्टेंस 15, डिस्टेंस पे 15 नहीं, डिस्टेंस इसमें शायद दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग ड्राइंग में। हाँ 20 डिस्टेंस का है ना, डिस्टेंस जो होगा 20 डिस्टेंस का इस डायरेक्शन में। तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ से टू पॉइंट सर्कल से बना लेते हैं जल्दी जल्दी इसको, सर्कल लिया टू पॉइंट यहाँ से क्लिक किया हमने, और यहाँ से इसको यहाँ इस पर, और फिर से सर्कल टू पॉइंट यहाँ से इस वाले। तो उसके बाद टी आर डबल इंटर से ट्रिम कर लिया हमने ये सारे पोर्शन, ये एक्स्ट्रा जो पार्ट्स हैं अपने, ये पार्ट्स एक्स्ट्रा हमने ट्रिम कर लिए। अभी देख सकते हो आप ये कार जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे भी टी आर डबल इंटर से इस वाले दोनों को भी है ना, ये हमने ट्रिम कर लिया है ना। यहाँ पे हमने ये पीछे का रेयर बनाया। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा और डिज़ाइन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेयर पे एक स्लॉट बना सकते हैं है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको नहीं, एक स्ट्रेट स्लॉट ही बना लेते हैं, उसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे हम लोग। तो ये हमने रेक्टेंगल लिया है ना, किसी डिस्टेंस से यहाँ यहाँ से है ना, और इसको डायमेंशन के थ्रू बनाना है। तो डायमेंशन के लिए डी इंटर, और जो लेंथ होगा वो होगा 48, यानी कि 50 लेंथ ले लिया हमने, इंटर किया, और जो विड्थ है 217, ये बन गया है ना, ये हमने एक बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करके, ये हमने यहाँ से थोड़ा सा पकड़ के ऊपर कर लिया, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं क्योंकि इस शेप का वो दिखे। तो रोटेट करने के लिए सेलेक्ट करके आर ओ इंटर, और इस यहाँ से ये बेस पॉइंट हो गया अपना, यहाँ से हमने थोड़ा सा रोटेट करके ये इतने डिग्री पे रोटेट कर लिया हमने, अब दिख रहा है ये सही है ना। और फिर यहाँ पे हम लोग फिलेट यूज़ कर सकते हैं, रेडियस 20-30 जितना हो है ना, रेडियस के लिए आर इंटर 20 के रेडियस का, यहाँ यहाँ चारों कॉर्नर पे हम लोग फिलेट यूज़ कर लेते हैं है ना, इस कॉर्नर पे भी हम लोग फिलेट यूज़ कर लेते हैं, ये हो गया। इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके और कॉपी कर लेते हैं, सी ओ कॉपी इंटर, बेस पॉइंट अपना ये रहा है ना, बेस पॉइंट अपना ये रहा, एफ एट ऑन कर लेते हैं है ना, और अरे कर लेते हैं, अरे के लिए ए इंटर, फोर कॉपीज बनाना है तो फोर डाला, इंटर किया, और डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस जो है वो है सेंटर टू सेंटर लेते तो 75 था, तो सेंटर से अगर जो हम लोग सेलेक्ट करते तो सेंटर टू सेंटर से 75 था, तो हम लोग यहाँ पे 75 के डिस्टेंस को बना ले रहे हैं, ये बन गया। ये आप देख सकते हो ये कार का शेप आ गया। अभी क्या है, इसमें अभी और काफ़ी कुछ करना बाकी है, जैसे कि गेट का डिज़ाइन करना हो, विंडो का डिज़ाइन करना हो, तो वो हम लोग करेंगे। ये वाला हम लोग अभी डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग फिर से ये जो हम अपना ये लाइन था यहाँ, ये हम लोग इसको एक और थ्री पॉइंट आर्क बनाएंगे, और यहाँ से लेकर के ये थोड़ा सा स्ट्रेट ही रहेगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं एफ एट ऑफ कर लेते हैं, यहाँ यहाँ तक थोड़ा सा नीचे रहेगा ये 5 डिग्री तक, और इसको एक हम लोग हमने ये बना लिया लाइन से जो हमने बनाया था यहाँ तक, वो ट्रिम कर लेते हैं टी आर डबल इंटर से,
एक आप यहाँ से डिस्टेंस भी ले सकते हो आप, है ना। ये हमने ये डिलीट कर लिया, ये बन गया। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ से एक इस वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन है, कितने का वो डायमेंशन दिया हुआ अपना 435 का, तो एक स्ट्रेट लाइन लेंगे 435 का। तो अब यहाँ से फिर एक कितने डिग्री पे, 5 डिग्री एंगल पे होगा 755 का, है ना, 763 का, सॉरी 763 का एक 5 डिग्री एंगल पे, एट द रेट 763 और 5 डिग्री एंगल, है ना, ये हमने बना लिया। नेक्स्ट है एक और, यहाँ से फिर 6 डिग्री एंगल पे होगा शायद, है ना, फिर यहाँ से 6 डिग्री एंगल पे है, और कितने डायमेंशन का है, 595 का, एट द रेट 595 6 डिग्री एंगल, ये बन गया, है ना, ये बन गया। नेक्स्ट है ये जो यहाँ से है, ये बना हुआ है एंगल है 3 डिग्री एंगल, 3 डिग्री एंगल पे जा करके 728 का, एट द रेट 728 3 डिग्री एंगल उन्हें डाल लिया, है ना, ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, इसको हम लोग यहाँ से एक 3 पॉइंट आर्क ले करके, 3 पॉइंट आर्क लिया हमने, यहाँ से इसको इसको एक कर्व से मिलाना है, जो कि TR डबल इंटर से हम लोग ट्रिम कर लेते हैं, ऐसा कर्व से मिलाना जो इस लाइन से टेंजेंट लगे दिखने में, है ना, इसलिए हमने ये यहाँ पे बनाया। अब क्या है इसमें, इसमें एक इस वाले पॉइंट से 381 एक लाइन जाएगा, यहाँ से हमने एक लाइन ले लिया इस वाले पॉइंट से, ये स्ट्रेट जाएगा F8 ऑन किया हमने, और है 381 इंटर, है ना, ये हमने बना लिया। उसके बाद ये जो एंगल जाएगा ये है कितने डिग्री एंगल पे, 163 एंगल पे, है तो F8 हम लोग ऑफ कर ले रहे हैं, और एट द रेट 1050 एट द रेट 163, ये आ गया। उसके बाद इसको हम लोग ट्रिम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा जो बाहर चला गया वो पोर्शन TR डबल इंटर से, ये TR डबल इंटर से हमने ट्रिम कर लिया, ये एंगल 163 का अपना मिल गया, है ना। नेक्स्ट क्या है, एक व्हील के पास से एक स्प्लाइन लेंगे, और ये इसके 20 डिस्टेंस अलग करेंगे, तो थोड़ा सा 20 के डिस्टेंस पे रखेंगे। SPL मैंने लिया, यहाँ से SPL मैंने लिया, स्प्लाइन इस व्हील के पास से लेंगे, और ये यहाँ से जाएगा, है ना, और इसके ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहेगा, 20 के डिस्टेंस पे मान लीजिए, ये हमने दूसरी जगह से ले लिया, और थोड़ा नीचे से लेना था, तो फिर से स्प्लाइन लेते हैं SPL इंटर, यहाँ से ले रहे हैं हम लोग इस बार, शायद इसमें कुछ हैंग कर रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है अपना सिस्टम, थोड़ा स्लो हो गया है, तो ये हमने एक लाइन ले लिया, स्प्लाइन ले लिया, इसको इस वाले स्प्लाइन को डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि ये स्प्लाइन थोड़ा सा गलत आ गया, ये हमने स्प्लाइन ले लिया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अब जो बनेगा विंडो, तो विंडो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे जो कि कितने डिग्री एंगल पे होगा, बीच में 73 डिग्री एंगल पे, तो हम लोग ये बनाएंगे 73 डिग्री एंगल पे, ये है ना, यहाँ से क्या ये सही आ रहा, नहीं आ रहा सही, शायद डिलीट किया,
एक लाइन लेते हैं रेफरेंस के लिए, कहाँ पे हमने जो बनाया है ये है अपना, है ना, ये है अपना लाइन, यहाँ से स्प्लाइन जाएगा अपना एस पी एल, ये जो लाइन है ना यहाँ से स्प्लाइन जाएगा अपना। तो हम लोग पहले यहाँ से सेलेक्ट किया हमने, इसके बाद यहाँ सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट किया, है ना, इस तरफ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इंटर कर लिया हमने, उसको ट्रिम कर लेते हैं टी आर डबल इंटर से, ये बाहर के पोर्शन ट्रिम कर लिया हमने, है ना, अभी ये सही आया, है ना। अभी जो नेक्स्ट लाइन है वो आएगा 73 डिग्री पे, तो नेक्स्ट हम अब इन पॉइंट जो है इस लाइन का ये रहा है इन पॉइंट, है ना, तो यहाँ से हम लोग एट दी रेट 70 डिग्री एंगल है और 292 का लेंथ है, 292 एंगल 73 ये हमने बना लिया, है ना। और फिर क्या करेंगे यहाँ से, एक छोटा सा लाइन, इससे थोड़ा सा छोटा लाइन जो कि 20 आप बोल सकते हो 15 या 20 का, 15 का हम लोग ऑफसेट ले रहे हैं, ओ डबल एफ ऑफसेट लिया, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इधर मैंने 15 डाला, इंटर कर लिया, ये 15 का हो गया, और फिर इसको सेम इसको इधर भी लेना है, तो ये हमने ले लिया। अभी ये तो आ गया, अभी इसमें क्या करना है, आप ये ट्रिम कर सकते हो टी आर डबल इंटर से, है ना, टी आर डबल इंटर से हमने ट्रिम कर लिया, ये कुछ इसमें गलत आ रहा है, ये इसको ये थोड़ा दूर होना चाहिए इसे यहाँ, है ना, ये हमने बनाया कंट्रोल पॉइंट से, इसको थोड़ा सा हटा लिया, उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक 3 पॉइंट आर्क लिया मैंने इस वाले पोर्शन से, नो इस वाले पोर्शन बीच वाले से 3 पॉइंट आर्क लिया मैंने, है ना, ये 3 पॉइंट आर्क ले करके ये 3 पॉइंट आर्क लिया, और यहाँ से हम लोग एक लाइन से इसको जोड़ेंगे, लाइन के लिए एल इंटर, इस यहाँ से लेकर करके यहाँ इसको परपेंडिकुलर गिरा देंगे नीचे, ये हमने बना लिया। अब सेम इसको ही हम लोग 15 के ऑपोजिट पे, ऑपोजिट डिस्टेंस 15 मीटर, ये इसको पकड़ा है और इसको पकड़ा, इसको कर दिया, नहीं तो हम लोग यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करके भी कर सकते थे, नहीं तो अभी यहाँ अगर जो कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रिम करना होगा, तो ट्रिम कर लिया ये मैंने, ये हो गया, है ना, इसको ट्रिम कर लिया हमने और इसको ट्रिम कर लिया हमने, ये बन गया, ये रियर विंडो बन गया। अब आगे का विंडो बनाना है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ई एक्स डाला, इंटर किया और इस यहाँ तक आएगा और इसको सेलेक्ट करके इंटर किया और ये अपना हमने बना लिया। हाँ, अब जो बनेगा फ्रंट का विंडो बनेगा वो हम लोग बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो वो बनाने के लिए क्या है, जो ऊपर वाला है उससे 541 के डिस्टेंस पे एक आर्क लेंगे। यहाँ से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लाइन ले लेते हैं एफ एट ऑन करके 541 का, 541 का, है ना, ये 541 का आ गया लाइन। अब यहाँ से हम लोग आर्क अगर जो लेंगे यहाँ से, तो थोड़ा सा आर्क सेव करेगा, एफ एट ऑफ कर लेते, अभी एफ एट हमने ऑफ कर लिया, ये है ना, थोड़ा सा आर्क रहेगा यहाँ तक का, उसके बाद टी आर डबल इंटर हमने किया, टी आर डबल इंटर किया, इस वाले पोर्शन को डिलीट करना, तो ये हो गया। और यहाँ से जो जाएगा फिर 3 पॉइंट आर्क जाएगा, जो कि कितने रेडियस का होगा, 299 रेडियस का होगा। यहाँ से हम लोग आर्क लिया, इसको सेम एंगल पे यहाँ पे टू नाइन्टी नाइन, ये डायमेंशन ये थोड़ा सा इसको हम लोग करते हैं फिर से, आर्क लिया यहाँ से, है ना, डिस्टेंस ये वो नहीं है, तो हमने इतना सा डिस्टेंस ले लिया और
कितना डाला, 299 डाला, इंटर कर लिया। ये आप देख सकते हो ये 299 का आ गया। उसके बाद क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम लोग यहाँ से, जो हमने यहाँ पे छोड़ा था ला करके, इस वाले से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऊपर, ये इस वाले से हम लोग एक बनाएंगे स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्शन में, जो कि कितने डिग्री का है, डिग्री का है 29 डिग्री का, शायद 28 डिग्री का है ना। तो यहाँ से एट द रेट 228 डिग्री का गल ये हो गया है ना। यहाँ जा रहा है, इसको हमने ये कनेक्ट कर लिया। उसके बाद टी आर डबल इंटर से इस वाले ऑप्शन को डिलीट कर लिया हमने, ये बन गया। देख सकते हो आप ये कार का डिज़ाइन आ गया। अभी क्या है, अभी इसमें और थोड़ा सा ये इस वाले पोर्शन को डिलीट कर लेते हैं है ना। इसमें क्या है, अभी और काफ़ी कुछ बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये बनाते हैं, इस वाले पोर्शन को पहले हम लोग ऑफसेट लेते हैं इसको। पहले इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रंट जो मिरर आएगा, जो फ्रंट का जो क्या बोला जाता है उसको, स्क्रीन है, विंड स्क्रीन, उसके लिए हम लोग ये डिज़ाइन दे दिया हमने। तो इससे क्या पता चल रहा कि आगे का एक स्क्रीन है ना, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने इससे। ये फ्रंट व्यू पता चल रहा कि आगे ये एक स्क्रीन है, जो कि है ग्लास का है ना। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इससे एक डबल डबल लाइन, दो दो लाइन ले जा करके वहाँ से हम लोग एक मिलाएंगे यहाँ से। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट ले लेंगे, फिफ्टीन के डिस्टेंस का ऑफसेट एक हमने ले लिया। ये हमने 15 के डिस्टेंस का ऑफसेट लिया, और यहाँ से एक लाइन ले लेंगे, सेम ये वाला भी ऑफसेट कर लेते हैं हम लोग, ये ट्रिम कर लेते हैं यहाँ से, इसको मिलाना है यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज ई एक्स डाला, इंटर किया, और इस ये वाला अपना मेन है, और इसको एक्सचेंज करना, तो ये एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको थ्री पॉइंट आर्क से मिला लेते हैं। थ्री पॉइंट आर्क लिया हमने यहाँ से, ये गलत जगह आ गया, फिर से थ्री पॉइंट आर्क लिया हमने, थ्री पॉइंट आर्क लिया, इसके इन पॉइंट से इसके यहाँ तक का मिला लेते हैं है ना। ऐसा मिलाएंगे कि पता नहीं चले कि हमने वहाँ पे एक मिलाया, ये हमने मिला लिया। और इसको ट्रिम कर लेते हैं टी आर डबल इंटर से, ये हमने ट्रिम कर लिया है ना। अब देख सकते हो आप यहाँ से ये भी एक और ट्रिम करना बाकी रखा, टी आर डबल इंटर से ये भी ट्रिम कर लेते हैं हम लोग है ना। ये यहाँ पे आ गया ऐसा। अब क्या करेंगे, इसको ये यहाँ भी ट्रिम कर लेते थोड़ा सा टी आर डबल इंटर से है ना, इसको ट्रिम कर लिया हमने। और इसको भी हम लोग क्या कर सकते, थोड़ा सा इसको ऊपर कर सकते हैं, ये वाला ये है ना, सबको कुछ ऑफसेट कर लेते हैं, इसको भी 5 mm या 10 mm का। तो ऑफसेट हमने लिया 10 डाला, इंटर किया, 15 भी रख सकते हैं हम लोग, अभी 10 ले रहे हैं है ना। ये हमने एक ले लिया। नेक्स्ट ट्रिम करेंगे सारे पोर्शन जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं अपने, सबको ट्रिम कर लेंगे। तो ये टी आर डबल इंटर लिया और जो पार्ट्स अपने बच रहे हैं सबको ट्रिम कर लेंगे।
है ना, इसके भी अंदर का ये भी और यहाँ पे भी है, सबको ट्रिम कर लेंगे हम लोग। ये हमने ट्रिम कर लिया, इसको ट्रिम कर लेते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम लोग एक साइड मिरर बना सकते हैं, इस वाले पोर्शन पे एक साइड मिरर बना सकते हैं। तो साइड मिरर बना लेते हैं हम लोग एक, इसको हम लोग पहले फिलेट ले लें। फिलेट लिया रेडियस के लिए आर इंटर 220 का ही फिलेट ले ले रहे हैं यहाँ पे, 20 ज़्यादा हो जा रहा, तो फिलेट 10 का ही ले रहे हैं हम लोग, 10 और 5 का आर इंटर 10 इंटर 10 का देख ले रहे हैं कितना आएगा, 10 का इतना आ रहा है ना, ठीक है 10 का ही काफ़ी है। यहाँ पे एक मिरर बनाना है, तो मिरर के लिए हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे, मिरर का साइज है, विड्थ है 127, लेंथ है 146 और 127 ये मैंने यहाँ से पकड़ा, 146 इंटर 127 इंटर ये बन गया। ये शायद ज़्यादा आ गया कुछ, फिर से डिलीट करते हैं इसको। अच्छा हमने डायमेंशन के लिए डी इंटर नहीं किया था, इसलिए ये गलत आ गया ना, तो हम लोग फिर से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मिरर बनाएंगे, डायमेंशन के लिए डी इंटर, उसके बाद यहाँ से है 146 इंटर 127 इंटर, ये अब बन गया है ना। अब क्या करेंगे, इसको ट्रिम कर लेंगे, ये फिलेट कर लेंगे। उसे फिलेट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है एक आर्क बना लेंगे इस पर, है ना, आर्क बना लेंगे तो अच्छा दिखेगा। आर्क आर्क का बना हुआ टी आर डबल इंटर से ट्रिम कर लेंगे हम लोग, और अब यहाँ से फिलेट ले लेंगे, रेडियस आर इंटर, पहले 40 डाला इंटर किया, यहाँ से 40 हम लोग ये 40 का और इधर 30 का, है ना, फिर से लेंगे आर इंटर 30 इंटर, ये बन गया। इसको डिलीट कर लेते हैं, कंट्रोल जेड वापस जाते हैं, ये और ये जो बना है अपना, इसको और ज़्यादा बनाते हैं फिलेट, है ना, कंट्रोल जेड से और वापस जाते हैं, 50 का बनाते हैं रेडियस के लिए आर इंटर 50 रेडियस वाला, इसमें ये यहाँ इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, ये 50 रेडियस का हो गया। यहाँ पे हम लोग छोटा सा बनाते हैं, 5 रेडियस का, 5 और 10 रेडियस का, है ना, ये लिया रेडियस के लिए आर इंटर 10 इंटर, और यहाँ से ये बना लिया, है ना, उसके बाद इसको सेलेक्ट करके एक्सप्लोर कर लिया इंटर, और फिर इसको हमने डिलीट कर लिया, ये बन गया साइड मिरर, है ना, साइड मिरर बन गया। अभी और क्या, इसमें स्पोर्ट्स कार है तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस हो गए होंगे, है ना, तो और सा और डिज़ाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा बहुत और कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं, तो उसके लिए हम देख लेते हैं अपना जो अपने पास ये है, है ना। अभी क्या है, एक लाइन इस वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से यहाँ पे लाके और यहाँ तक F8 ऑन करके, है ना, यहाँ हमने एक लाइन ले लिया, और इसको ट्रिम कर लेते हैं टी आर डबल इंटर से, ट्रिम कर लिया ये, उसको हम लोग ऑफसेट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके ऑफसेट 15 का ऑफसेट लिया, 15 डिस्टेंस लिया, इस डायरेक्शन में हमने ऑफसेट ले लिया, है ना। अभी क्या है,
अब यहाँ से एक आर्क से ये आर्क लिया हमने, यहाँ से इसके डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है शायद, हाँ दिया हुआ है शायद, नहीं डिस्टेंस ये दिया हुआ, नीचे का डिस्टेंस दिया हुआ, नीचे का डिस्टेंस है 245 है ना। तो पहले 245 नीचे का डिस्टेंस ले लेते हैं, ये लाइन लिया एक एल इंटर, यहाँ से 245 का एक लाइन ले लिया हमने है ना, इसको थोड़ा सा रिफरेंस रखने के लिए। अब यहाँ से हम लोग थ्री पॉइंट आर्क लेंगे, आर्क लिया थ्री पॉइंट ये लिया, और ये जो है ऊपर जो जा रहा है वो थोड़ा सा कम जा रहा है इसे है ना, तो इसको एफ एट अभी ऑफ कर लिया हमने, एफ एट ऑफ कर लिया, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसको इतना ज़्यादा ना इतना इतने सेप का है, टी आर डबल इंटर से ट्रिम कर लिया हमने है ना। नेक्स्ट क्या है, इसके ऊपर वाले से भी ये कंटिन्यू, ये आर्क जो है कंटिन्यू रहेगा है ना, तो ऊपर वाले से भी हमने आर्क लिया एक, यहाँ से लिया मान लिया है ना। ये कनेक्ट कहाँ पे हो रहा है वो देख लेते हैं एक बार, हाँ ये जो कनेक्ट हो रहा है वो लास्ट वाले इसके इससे कनेक्ट हो रहा है इससे है ना, तो यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया इसको ये हमने बना दिया। उसके बाद इसको टी आर डबल इंटर से ट्रिम कर लेते हैं, ये इस वाले पोर्शन को यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा बचे हुए उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं है ना, डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया और डिलीट कर लिया। तो अब ये बन गया, ये आर्क बन गया, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आ रहा है, ये पता चलना चाहिए कि ये एक स्ट्रेट है ना, इस तरह का होना चाहिए यहाँ पे, ये भी चलेगा ठीक ही दिख रहा है। अब ये नीचे के लाइन से, सबसे नीचे वाले लाइन से यहाँ पे एक आर्क फिर से बनाएंगे, जो कि गेट का खुल, अब ये गेट है ना, ये क्या है गेट का पोर्शन हम लोग बना रहे हैं, ये गेट बना रहे हैं हम लोग यहाँ से, फिर इसको यहाँ तक लेंगे है ना, और एक शेप देंगे किस तरह का गेट बनाना है ना, ये हमने एक शेप ऐसा दे दिया, इसको ट्रिम कर लेते हैं टी आर डबल इंटर से, ट्रिम कर लिया इसको हमने यहाँ से, ये गेट बन गया है ना। और क्या है इसमें, गेट का खोलने के लिए कुछ डिज़ाइन देना है, या फिर चलिए एक खोलने का डिज़ाइन हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा है ना, तो इसको क्या करते हैं, इसके 10 mm का ऑफसेट ले ले रहे हैं, ऑफसेट लिया हमने 10 mm नीचे के डायरेक्शन में, ये हमने 10 mm ऑफसेट ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको सेम इसको ही थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं है ना, तो लाइन लिया हमने, इस पर ही लाइन ले लेते हैं एक, तभी इस पर पता चलेगा ये हम लोग इतना आगे बढ़ा लिया हमने है ना। उसके बाद नीचे कितना आएगा, तो नीचे आएगा 190 है ना, तो 190 हमने नीचे ले लिया, और इसको इससे जाके कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये कनेक्ट हमने कर दिया, और इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं, तो फिलेट ले लेंगे, फिलेट लिया हमने रेडियस के लिए आर इंटर 30 का, ये 30 का ले लिया, और नीचे भी 10 का ले लेते हैं, फिलेट लिया रेडियस के लिए आर इंटर 10 इंटर, ये बन गया है ना, ये शायद और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, तो इसको डिलीट कर लेते हैं, तो फिर से बनाते हैं एक रेडियस के लिए आर इंटर 60 का, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे है ना। अब ठीक है, ये हमने रेफरेंस के लिए बनाया था, तो इसको हम लोग डिलीट कर ले रहे हैं है ना, बाकी जितना सारा रेफरेंस के लिए बनाया हमने सबको डिलीट कर ले रहे हैं है ना, इसको भी डिलीट कर ले रहे हैं। और ये अगर जो यहाँ पे आप कुछ बनाना चाहते हो, ये जो फ्रंट है उसके उस पर कुछ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो आप लोग है ना, तो मैं क्या ले रहा हूँ, एक स्प्लाइन से बना ले रहा हूँ, SPL से है ना, एक स्प्लाइन लिया हमने है ना, स्प्लाइन से हमने ये आगे का हमने कुछ ऐसा डिज़ाइन दे दिया है ना।
ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब इसका टायर बनाना है ना, बाकी सब कुछ तो हो ही गया, इसका सिर्फ टायर बनाना है। टायर में क्या करेंगे, इसको फिर से सर्कल लिया हमने, सर्कल लिया हमने, इससे एक सर्कल यहाँ ले लिया, फिर एक और सर्कल ले लेते हैं इसमें भी, है ना, ये हमने सर्कल ले लिया दो सर्कल, और ये हमने जो बनाया हुआ है ये डिलीट कर लेते हैं इसको, ये डिलीट ले लिया हमने, इसको एक लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं इस वाले लाइन को, है ना, ये हमने कनेक्ट कर लिया लाइन, और एक यहाँ से ये जो होगा यहाँ से भी एक लाइन रहेगा, है ना, जो कि इस पे टेंजेंट रहेगा, यहाँ से एक लाइन रहेगा जो कि इस पे टेंजेंट रहेगा, है ना। ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक कर्व है ये जो डायरेक्ट ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक कर्व दिखा रहा है इस तरह का, इसमें यहाँ एक कर्व है, ये ऐसा अंदर गया हुआ और यहाँ से एक बाहर से उभरा हुआ है ना, तो ये हमने बनाया। उसके बाद यहाँ पे अब क्योंकि अपना बना डिज़ाइन करना है, क्योंकि हम लोगों को डिज़ाइन करना क्या है, टायर डिज़ाइन करना है, तो टायर के लिए हम लोग कैसा भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। ये हमने ले लिया है दो एक एक लाइन, इसको सेलेक्ट करके अरे ले लेते हैं, पोलर अरे, पोलर अरे हमने ले लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, इसको 50, ये 50 का ले लिया हमने, क्लोज कर लिया, है ना, और इसको 60 ले लेंगे, इसको सेलेक्ट किया, पोलर अरे लिया, और सेंटर ये रहा अपना, इसको हम लोग 60 ले लेते हैं, 60 ले लिया, है ना, इसको भी क्लोज अरे कर लिया हमने, ये बना। उसके बाद फिर क्या है, फिर से यहाँ एक सर्कल फिर से लेंगे, सर्कल के लिए सी इंटर, यहाँ से एक सर्कल लिया हमने, इतना बड़ा मान लिया, कितना है 200 mm का, 200 mm का लिया हमने, और एक और सर्कल लिया जो कि 30 mm का लिया, है ना, 50 mm का लिया, छोटा वाला सर्कल, इसमें भी एक 200 mm का छोटा वाला, तो सबसे छोटा वाला 50 mm का सेम रखेंगे, पर 200 वाला थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, और फिर से सर्कल लिया इंटर, है ना, 220 रखा हमने, ये बन गया, ये व्हील बन गया। अभी क्या है, इसमें व्हील का शेप देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे ये हमने एक बना लिया, शेप बना लिया, इसको लाइन ले लेंगे एक, इसको मिरर कर लेंगे लाइन ले करके, है ना, ये हमने ले लिया, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ये कर लिया हमने, हटा लिया, अब ये इसको सेलेक्ट करके मिरर किया MI इंटर, ये हमने रेफरेंस लिया था, इसको डिलीट कर लेते हैं, है ना, इसको सेम इसको ही हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी लिया कहाँ से, इसके सेंटर से उठाएंगे और इसके सेंटर पे जाके रखेंगे हम लोग, है ना, सेंटर पे रखा हमने, और इसको क्योंकि वो हमने थोड़ा सा बड़ा लिया है इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सटेंड लिया, ये अपना बाउंड्री है, बाउंड्री सेलेक्ट किया और दोनों को सेलेक्ट करके एक्सटेंड कर लिया, है ना, ये व्हील भी बन गया। अब इसको क्या लास्ट काम क्या है अपना बचा हुआ, सो इसको हम लोग अरे कर लेंगे, पोलर अरे लिया हमने और इसको सेलेक्ट कर लिया, ये बन गया, इसको क्लोज कर लिया हमने, फिर इसको भी सेलेक्ट किया, इन दोनों को भी सेलेक्ट किया, पोलर अरे लिया और अरे कर लिया, इसको क्लोज कर लिया, ये बन गया अपना कार, है ना। तो थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू, अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल, और कोशिश करेंगे कि और अच्छा बने, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, तो इसलिए थोड़ा सा लग गया ये टाइम, तो ये हमने सिर्फ एक साइड व्यू बनाया है, इसमें भी अगर जो प्रॉपर कार डिज़ाइन करना तो इसमें होता है सारे व्यूज़ डालने होते हैं, जैसे फ्रंट व्यू हो गया, फिर ये साइड व्यू हो गया, फिर फ्रंट व्यू, फिर रियर, रियर के लिए होगा बैक व्यू, फिर ऊपर टॉप व्यू भी बनेगा, तब पूरा एक कार डिज़ाइन हो सकता है ना।
तो थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कुछ डाउट हो तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।